हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। तो ये एक बार ऐप देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अभी आपके सामने ये दिखाएंगे, जैसे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे कितने टोटल बेड हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। जैसे अभी 6731 बेड टोटल हैं, उसमें से 2819 भरे हुए और 3912 खाली हैं। फिर उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक 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 अस्पताल की डिटेल आ रही है, एक एक अस्पताल के आगे के कितने बेड खाली हैं। उसके अंदर ये वेंटिलेटर का आ गया, ये सारे किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर, टोटल 302 वेंटिलेटर है दिल्ली में और 210 खाली हैं, 92 वेंटिलेटर अभी भरे हुए हैं। तो ये अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले में दिल्ली कोरोना इस नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका वेब पेज भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो इसका एक वेब पेज बनाया गया है, delhifightscorona.in/beds। इसके ऊपर भी आपको ये सारा बेड्स का स्टेटस मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आप 1031 जो हमारी हेल्पलाइन है 1031 पे फोन करेंगे तो वो आपको पूरा का पूरा जो बेड्स का स्टेटस है वो आपको SMS के जरिए भेज देंगे। और या आप इस नंबर पे, अगर आप व्हाट्सएप नंबर है 8800007722, इस नंबर से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे। इसका हमने पूरा इंतजाम किया है, आप 1031 पे वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ इसके अस्पताल खाली है, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फोन पहुंचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज दिल्ली के अंदर 20,000 से ज्यादा केस हो गए लेकिन केवल 2600 लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ी। आज की डेट में भी 6-7 हजार लोग अपने घरों के अंदर इलाज कर रहे हैं, उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग अस्पतालों में आने लग गए तो अस्पताल भर जाएंगे, ये मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई अस्पताल एनालिसिस करके, डॉक्टर्स एनालिसिस करके आपको ये कहते हैं कि आपको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज घर में जाके, घर में अपना, आप माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, घर में इलाज करा लीजिए, उनकी बात मान लीजिएगा। वहां पे आप जबरदस्ती मत कीजिएगा कि बेड आपको दिया जाए। डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि आपकी बीमारी सीवियर नहीं है, आपका घर में इलाज हो सकता है, आप घर में इलाज कर लीजिए। और घर में जब जाएंगे तो चिंता मत करना, हमने एक टीम लगाई है, वो दिन में 2-3 बार आपसे बात करेगी, आपके परिवार वालों से बात करेगी और अगर आप घर में सीरियस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बेड का इंतजाम कर देंगे। तो सब लोग, मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैप था, जो बहुत बड़ा गैप था, वो खत्म हो जाएगा। आपको क्लिक ऑफ द बटन पे पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड हैं और आपको अब बेड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।